ब्लू टी अपराजिता या शंखपुष्पी के फूलों से बनाई जाती है। इसके सेवन से माइंड और मूड दोनों ही फ्रेश रहते हैं। यह दिमाग को तेज करने वाला एक आयुर्वेदिक टॉनिक भी है। इससे तनाव पूरी तरह से दूर रहता है और ये एक रिफ्रेशिंग डिटॉक्स टी भी है। अपराजिता के फूलों की चाय बनाने के लिए हमने अपराजिता के फूलों की हरे डंडे को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। इस तरह हरे पार्ट को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया और अपराजिता के फूलों को अच्छी तरह से धो लिया है। अब एक कप में लिया है हमने गर्म पानी और इसमें डाल लेंगे धोए हुए अपराजिता के फूल। इसे 5 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे ताकि फूलों के सारे अच्छे तत्व इस पानी में समा जाए। देखिए इस फूल को सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ दें पानी में ढककर। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे इस पानी का कलर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। फूल के सारे अच्छे तत्व इस पानी में आ चुके हैं। देखिए कम्प्लीटली ब्लू कलर का हो चुका है ये पानी। कितना सुंदर लग रहा है और जितना सुंदर ये पानी है उतना ही हेल्दी भी है। अब हम इसमें डालेंगे शहद या फिर शक्कर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो गुड़ शक्कर किसी भी चीनी को अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर ऐड भी कर सकते हैं। ये आपकी कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अब हम इसमें डालेंगे एक मैजिक 1/2 कटा नींबू का रस। इसे डालने के बाद हम देखेंगे मैजिक होते हुए। देखिए इस पानी का कलर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। पहले ये ब्लू था अब ये पर्पल हो चुका है। किस तरह से ये पानी का कलर चेंज हो चुका है। ये चाय जितनी हेल्दी है उतनी मज़ेदार भी है पीने में। इस चाय को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही हेल्दी चाय है।